सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद यहाँ पर घंटी दबा लें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी आता रहे। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड बार। सो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कॉल सेटिंग के कुछ हिडन फीचर, यानी अगर आप जो अपने कॉन्टैक्ट वगैरह की कुछ सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, उसको ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर उसके कुछ रिंगटोन अलग लाना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं, सो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो जरूर से आज की वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखा, आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ओप्पो A1 के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम चले जाते हैं इसके डायल पैड में। डायल पैड में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऊपर आपको एक सेटिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो सेटिंग वाले ऑप्शन में आपने टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तमाम की तमाम जो इसकी कॉल सेटिंग मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऊपर ब्लॉक आ जाता है, यानी अगर किसी कॉन्टैक्ट वगैरह को आप ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर पहले से ही डाल सकते हैं, उसके बाद उसकी कॉल आपको नहीं आएगी। नीचे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है, जिसकी मदद से आप जो अपने फोन की कोई भी कॉल वगैरह हो जस्ट वन टैप में उसको जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटो आंसर वाला ऑप्शन है, यानी अगर आप इसमें ऑटो आंसर वाले ऑप्शन को जो इनेबल कर लेते हैं उसके बाद आप जो है कोई भी कॉल वगैरह अगर आप कॉन के साथ लगाते हैं, यानी उसको बगैर उठाए आप जो उसको पिक करना चाहते हैं तो आसानी से पिक कर सकते हैं। सो कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर में आप यहां पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आप रिकॉर्ड करवा सकते हो, यानी अननोन नंबर की कॉल वगैरह को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी अगर कोई अननोन नंबर से कॉल वगैरह आए तो उसको जो आसानी से कैप्चर कर ले उसकी वॉइस। उसके बाद यहाँ पर आप इसकी रिकॉर्डिंग की लिमिट वगैरह रख सकते हो, जितनी आपने लिमिट यहाँ पर रखनी है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जो कॉल चेक ऑल कॉल, तो यहाँ पर आप जो है तमाम की तमाम कॉल वगैरह को आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब इसके कुछ यहाँ पर बात कर लीजिए, इसके तमाम फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। सो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखते हैं ऑटोमेटिकली कॉल्स को जो है आंसर दे दे, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी आंसर को कितने देर बाद जो है डिले करें, यानी कितने सेकंड के बाद आपकी कॉल पिक हो, यानी बगैर जो है उसको स्वाइप अप या स्वाइप राइट किए जो है आप उसकी जो है कॉल आसानी से पिक कर सकें। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखते हैं इसके टाइमिंग वगैरह, अगर आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नीचे आपको आ जाते हैं वाइब्रेशन, अगर आप जो कॉल वगैरह को उठाते हैं हैंग अप करते हैं जब, तो वाइब्रेशन हो या नहीं हो। सो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट वगैरह यानी नंबर वगैरह को फिक्स कर सकते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग वाला भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी मदद से आप अपनी कॉल वगैरह को किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक ही नंबर की जो है एक ही नंबर पर जो है तमाम कॉल अपनी सुन सकते हैं। सो यहाँ पर अपनी जो सिम वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी दो सिम है, तो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट उसकी जो है एक ही सिम पर अगर आप कॉल सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर नंबर को ऐड कर दीजिए, उसके बाद वो कॉल फॉरवर्डिंग होकर दूसरे नंबर पर चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कॉल ब्लॉकिंग वाला ऑप्शन है, ब्लॉक वाले फीचर में यहाँ पर अपनी कॉल वगैरह को यहाँ पर अपने मैसेज वगैरह को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर कोई अननोन नंबर होता है उसको आप आसानी से यहाँ पर जो है ब्लॉक कर सकते हैं, उसके बाद उसका मैसेज आपको बिल्कुल भी शो नहीं होगा। अगर आप इसकी प्राइवेसी वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लॉक वाले फीचर को जरूर से यूज़ कीजिएगा। उसके बाद अगर आप जो है ब्लॉक के कुछ नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, यानी आपका दिल कर रहा है उसने कौन से मैसेज सेंड किए हैं वो मैं जाकर देखूं, तो यहाँ पर जो ब्लॉक वाले फीचर में जाकर आप इसका नोटिफिकेशन जो है वो वाला फीचर जो है इनेबल कर सकते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा मैसेज ये भेज रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको SMS का रिस्पॉन्स देख सकते हैं, उसको जो है अपनी कॉल की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, यानी SMS के जरिए भी आप इसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सो आई होप आपको आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगे जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने हर की बाय।